धीरे धीरे इसको एकदम खोल पकड़ चुका है और जो व्यवहार को जानने की जरूरत है। अगर देखिए आप सांप को केवल जो है कि व्यवहार जानने की जरूरत है। ओह माय गॉड ये लार्ज जो है कि मूवमेंट किए हुए हैं और ये गजब का सांप पकड़ते हैं। जिंदगी और मौत से खेलने के लिए रूबरू होने के लिए एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग लेप्रोसी मिशन है और हमारे जो है कि जावेद भाई का ये गैरेज है और इनके यहाँ जो कोई सांप देखा गया। इधर आ जाइए। कब देखे ये सांप? बस एक घंटा पहले। एक घंटा पहले कहाँ? चलिए दिखाइए मुझे और आइए देखे हम लोग। और इनका कहना है, और कितना बड़ा सांप पहचानते हैं आप? है बड़ा बड़ा है जी। यहीं से निकल के वहाँ बालू में गया है। अच्छा, आपका कहना है कि वो बालू में। और यहाँ पे उस समय से आप लोग वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं? वहाँ पर से निकला नहीं है। और इनका कहना है कि ये बालू में इधर से ऐसे ही गया होगा। और बालू तो बहुत अच्छा खासा रखा हुआ है। और हाँ, मुझे तो ये बहुत ही भयानक और बहुत ही विषैला, मतलब कि स्पेक्टिकल और ब्लैक कोबरा की तरह लग रहा है, मतलब काला। लेकिन देखिए पता नहीं क्या है, सांप है। और ये आप पकड़िएगा है, पकड़िएगा था है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक। और यहीं पे है। और ये दिखाइए मनी जी, इधर आइए, इधर 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 यहाँ यहाँ देखिए, फोकस कीजिए। ये देखिए ये, और किस तरह से चल रहा है। और ये भाग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा हम लोग को। इधर इधर और इधर देखिए, इधर की ओर फेस निकाला है। चलिए इसको हम लोग इधर निकालने देते हैं। और गजब का, लेकिन जो है ये बड़ा ही विकट और परिस्थिति में और ब्लैक कोबरा की तरह एकदम लग रहा है। और चलिए इसे अब हम लोग निकालते हैं। और ये देखिए, ये इधर से ये बोरा को खींचिए थोड़ा, सुनील जी इसको खींच लीजिए। और ये देखिए इधर फेस, और ये लाइस्टिक मेरा। चलिए इसको अब हम लोग, ओह माय गॉड, गजब का, मतलब बिग साइज का। और ये ब्लैक कोबरा, लेकिन ये लाइफ में हम जो है कि ये ब्लैक कोबरा ये दूसरा बार हमारा है। और गजब का, ओह माय गॉड गजब का। और ये बहुत ही बिग साइज का ब्लैक कोबरा, मतलब कि लाइफ में हम जो है कि ये दूसरा बार रेस्क्यू कर रहे हैं। और इसके साथ जो है कि व्यवहार को जो है कि जानना, सांपों को जो है कि व्यवहार जानना जरूरी है, जिसके कारण जो है कि आप लोग इसके पास जाएंगे तो अमूमन जो है कि व्यवहार नहीं जानने के कारण ये बाइट कर देता है। लेकिन अगर हम इसे सही से धीरे धीरे इसको एकदम खोल, और ये पकड़ चुका है और पीछे हट जाइए, और इसके बारे में जो है कि व्यवहार को जानने की जरूरत है। अगर देखिए आप लोग जहां है वहीं पे खड़े रहें, हिल डोल करेंगे तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग हिल डोल ना करें। सांप को जो है कि दिखाई नहीं देता, लेकिन मूवमेंट से जो है कि केवल बाइट करने की कोशिश करता है। आप सांप को केवल जो है कि व्यवहार जानने की जरूरत है। और ओह माय गॉड ये लाजवाब। और ये हम इधर की ओर इसको जो है कि मूवमेंट किए हुए हैं और ये गजब का, ओह माय गॉड। और केवल ये हाथ हम मूवमेंट कर रहे हैं, अगर ये हाथ हम मूवमेंट करते हैं तो ये जो है कि बाइट कर देगा। और केवल जो है कि ये सांप को दिखाई नहीं देता है, आप लोग जो है कि एकदम अस्थिर से आप लोग रहेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास से सांप गुजर जाएगा लेकिन आपको काटने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके पास मूवमेंट करेंगे वैसे ये बाइट करने की कोशिश कर देगा। ओह माय गॉड
माय गॉड, लाजवाब, गजब का। और गजब का एकदम अपने जैसे ही आप छोड़ देंगे एकदम तेजी से जो है भागना चालू कर देगा, बहुत बिग साइज का। ओह माय गॉड, गजब का, लाजवाब। एकदम। और ये मेरे हाथ के पास से गुजर के चला जाएगा लेकिन बाइट करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही हम मूवमेंट करेंगे वैसे ये मुझे बाइट कर देगा। गर्दन पे? नहीं, गर्दन पे नहीं। गर्दन पर रखने के बाद जो है कि चलिए इसको हम लोग सही सलामत इस डब्बे में ही पैक करते हैं। ढक्कन इसका और ये इसको इसमें से ऐसे डालकर ऐसे हम लोग चलिए इसको सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया और सही सलामत इसको जंगल में जाकर छोड़ दिया जाएगा ताकि अपना जीवन व्यतीत कर सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।